प्रणाम दीदी, कतय से आबै छियै? प्रणाम भैया, बच्चा के स्कूल पहुँचाबे गेल छी, अपना से जाय पड़ै छै, गाड़ी रोड पर बहुत भए गेल छै, वएह लिए अपना से जाय पड़ै छै। दीदी, आइकाल्हि ठीक करै छियै, गाड़ी रोड पर बहुत चलै छै, ठीक छै। ओकरा बाद आइकाल्हि जे बच्चा तऽ बच्चा, सियान आदमी के भी डर छै चलै मे, ठीक छै। आओर खेती बाड़ी की चलै छै? जाइ छियै भैया प्याज के बीया काल्हि गिरबै लए, बुझलियै? काल्हि बीया गिरेबै, अगला साल जे छै ने से बिरार मे बीमारी लागि गेलै, किछु नहि भेलै, घाटा लागि गेलै। भैया, एक अहाँके पास कोनो उपाय यऽ तऽ बताए दिअ। दीदी, बीया सब एके होइ छै, ओकरा उपचार करै छियै? नहि करै छियै। ओकरा उपचार कए कऽ करियौ भैया। उपचार हमरा आरके जानबो नहि करै छियै से केना करै छै। उपचारमे यदि किछु नहि छै, चलू आइ हम बताए दै छी। चलू दीदी, तब बैठू, तब हम सामग्री लए कऽ आबै छी। यदि प्याज के बीज छियै 180 ग्राम छै, कट्ठामे लागै छै 180 ग्राम। दीदी, 180 ग्राममे ई शक्करो लागै छै 25 ग्राम। दीदी, प्लास्टिकके डिब्बा छियै बीजके फुलबैके लिए। दीदी, सुसुम पानी छियै, हल्का सुसुम छै, मतलब 180 ग्राम बीया छै, ओहिमे 400 ग्राम पानी दिए पड़तै फुलाबैके लिए। दीदी, प्याजके बीज 180 ग्राम जे छै, ओहिमे 25 ग्राम बर्मी कम्पोस्ट भी लागै छै। दीदी, ये गोमूत्र छियै, ई 180 ग्राम जे बीज छै, ओहिमे इहो गोमूत्र भी लागै छै। दीदी, सूती कपड़ा छियै, बीजके छानैके लिए कपड़ो लागै छै। दीदी, ट्रोकोडर्मा पाउडर छियै, ई फुफन्दीसँ बचाबै छै आओर पौधाके सुरक्षित रखै छै। दीदी, पनियोलाइट ट्रोकोडर्मा पाउडर जे छै ने, बहुत जहरीला होइ छै, ई हाथमे दस्तनात टाइपके पहिन के तब मिलाएल जाइ छै। दीदी, सबसे पहिने हम प्लास्टिक एक डब्बा लै छियै, ठीक छै, एहिमे 400 ग्राम पानी डालबै 180 ग्राम बीज के लिए। दीदी, सुसुम पानी छियै, 400 ग्राम पानी दै छियै, एहिमे डालै छियै। दीदी, एहि सुसुम पानीमे 180 ग्राम छै बीया, प्याजके एहिमे डालै छियै अभी। दीदी, एहि बीयाके अभी लए कऽ 5 मिनट छोड़ देनाइ छै, जे बीया खराब छै ऊपर चलि एतै। दीदी, ई देखै छियै, सब बीया खराब कऽ ऊपर चलि एलैए। भैया, जितना ऊपरमे जे छै बीया, ई सब खराबे बीया छै। हाँ दीदी, ई सब बीया खराब छै, आओर आब छाँकि कऽ आब निकालै छी। दीदी, अभी देखियौ, सब खराब बीज हम निकालि रहल छी। दीदी, सब देख लियो, ई खराब बीज सब निकलि गेलैए। दीदी, ई गोमूत्र छियै, ई 25 ग्राम छै, जन्तुनाशक छियै, मिलाएल जाइ छै। भैया, एहिमे कोन गायके गोत पड़ै छै? एहिमे देसी गायके पड़ै छै, जर्सी गायके गोत नहि पड़ै छै एहिमे। दीदी, बर्मी कम्पोस्ट छियै, इहो एहिमे मिलाएल जाइ छै। क्वेश्चन एहन देल जाइ छै, बर्मी कम्पोस्ट। भैया, ई बर्मी कम्पोस्ट किस लिए आबै छै? दीदी, जे बर्मी कम्पोस्ट छै, बीया के खाना के काम मे आबै छै। दीदी, शक्कर छै ने, मिश्रण के काम मे आबै छै, जते छै ने बर्मी कम्पोस्ट बीया सब, आओर शक्कर छै गरम होइ छै आओर जल्दी अंकुरण आबै छै।
दीदी ई सूती कपड़ा छिए, ई बीया के ढक के 12 घंटा छाया जगह में रखल जेते। दीदी ई बीया लेके आप चले छिए छाया में रखे के लिए। दीदी बीया के छाया में रख दिल गेले 12 घंटा खातिर, आ 12 घंटा के बाद एबे। ठीक छै भैया, हमू आब 12 घंटा के बाद मिलबे। दीदी अब बीया के 12 घंटा भला, बीया के निकालबे। ठीक है भैया। दीदी खाली बर्तन छिए में बीया के आप छानै छिए। 12 घंटा पूर गेले या आप देख लियो बीया के छानै छिए। हाँ दीदी आब ई बीया के पानी के गाड़ के कनी देर छोड़ देनाइ छै 5 मिनट। दीदी आप बीया के 5 मिनट फैला दै छियै एठना। ई पन्नी हाथ में बांधै छियै ट्रेकोडर्मा पाउडर, एमे मेलू कियाकि जहरीला पाउडर होइ छै, पाउडर जहरीला होइ छै। एहि बीयामे पाउडरके आओर खूब बढ़िआँसँ मिलाएल जेतै, हाथमे पानी लहरनाइ चाही, बहुत जहरीला होइ छै। एकर ओकरा बान्हि कऽ रखनाइ छै। दीदी एकरा आप बांध के अंकुरण के लिए छाया जगह में रखल जेते। भैया भैया यौ घर पर छिए कि नहीं? हम आबि गेलिए। आबू दीदी आबू, 12 घंटा यहाँ बिल्कुल पहुँच गेलिए यौ। चलू बीया देखे लए जाइ छी, हम कोन भए गेल हेतै। हाँ दीदी देखियो 12 घंटा भए गेलै यऽ, बीया के अंकुरण देख लियो अयलै कि नहि। किछु अंकुरण तऽ आबि गेलै दीदी। हाँ भैया अंकुरण तऽ बहुत अच्छा आबि गेलै यऽ। हाँ दीदी ई अंकुरित बीज आब नर्सरी बेड तैयार छै, हम जाके डालनाइ छै। ठीक है भैया, ई काम हमहुँ करनाइ छै भैया। तऽ सबकिछु आब हमे बुझि गेलिए, एक बेर आओर बता दिअ से सावधानी एहिमे की राखे पड़तै। दीदी सबसे पहला सावधानी छै एहिमे जे मिश्रणमे बीयाके 12 घंटा तक दिया के रखे पड़तै। दीदी ई दूसरा सावधानी छियै बुझलिए, ट्रेकोडर्मा पाउडर मिलाएल जाइ छै, उपफुंदी नाशक के छियै। दीदी ई तेसर सावधानी छियै, ई ट्रेकोडर्मा पाउडर छै बहुत जहरीला होइ छै, एहि लए कऽ हाथमे दस्ताना लगा के काम करल जाइ छै। ठीक छै भैया, इतना टा सीखे के लिए भैया हमरा अहाँके धन्यवाद। प्रणाम। मेरा नाम है नविशा खातून, इमाम जीविका स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष और सेवा जीविका महिला ग्राम संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। सब दीदी भैया ई प्याज के बिया ई उपचार करके लगेबे, ऐसे बहुत लाभ आवे छे। सुना है दीदी सुना हो भैया, सुना है दीदी सुना हो भैया, होए बे हम धनवान हो, प्याज के बीज लगा के भैया, होए बे हम धनवान हो, प्याज के बीज लगा के भैया, होए बे हम धनवान हो।